सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑक्टोपस ऐप। ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस ऐप को ओपन करना है और जो परमिशन मांग रहा है वो दे देना है। परमिशन देने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने गेम पैड को उससे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये OTG चाहिए होगा। OTG वगैरह नहीं होगा, OTG चाहिए। उसके बाद अगर आपका गेम पैड केबल वाला है तो केबल लगा दीजिए, अगर ब्लूटूथ वाला है वायरलेस है तो आपको पता ही है कैसे करना है। तो मैंने अपना कनेक्ट कर लिया गेम पैड। अब आपको क्या करना है कि अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने एडिशनल सेटिंग में जाना है, वहाँ से OTG कनेक्शन का ऑप्शन इनेबल कर देना है। कोई कोई फ़ोन में ये ऑप्शन रहता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। रियलमी के फ़ोन में है तो ओपन करना पड़ा। तब देखिए यहाँ पे मेरा गेम पैड कनेक्ट हो चुका है, यहाँ शो भी करने लगा है कि गेम पैड कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है कि अपना गेम ओपन करना है। उससे पहले एक आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये परमिशन तो देना ही है। एक ऐप भी डाउनलोड करवाएगा, वो ऐप डाउनलोड कर देना है। ये ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको वापस से अपने ऑक्टोपस ऐप में आना है और अब ऐप अपना गेम ओपन करना है। तो यहाँ मैं ओपन कर रहा हूँ, वो परमिशन मांगेगा, फिर आपको परमिशन दे देना है। यहाँ पे आपको स्किप करके चल देना है। और ये हम गेम में आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाना है कंट्रोल्स में। सेटिंग के कंट्रोल्स में जाना है, यहाँ कस्टम हड करना है। अब यहाँ पे आपको जिस हिसाब से अपना रखना है बटन्स, उस हिसाब से आप कर लें। यहाँ तो ऑटोमेटिकली पहले से करके दिया रहता है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका एक गेम प्ले भी दिखा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं
कि यहाँ इजेक्ट वाले बटन पर कोई बटन मतलब सेलेक्टेड है नहीं कि किससे खुदाया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद जो इस बटन से जैसे आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ रहता है, मैंने यहाँ पहले से करके रखा है, दिखा रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इजेक्ट वाले बटन का तो ऑप्शन आता है सेटिंग में, तो इस दोनों बटन को उस जगह लेके चल जाए। अब उसी बटन से आपका स्प्रिंट का काम आएगा, प्लेन से जंप करने का काम आएगा, और एक और ऑप्शन रहता है उसका नाम नहीं पता, वो काम आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। इस पर कीबोर्ड और माउस से कैसे खेलते हैं इस पर वीडियो आएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा, जल्दी वीडियो आएगा। Thank you.